गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एक मुद्दा एक ही और प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई योजना मुद्रा लोन के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपने आजकल टीवी वगैरह न्यूज़पेपर एड्स में आप काफी देख रहे होंगे कि मुद्रा योजना बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मेरी पीपीटी में मैं आपको कुछ उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता सकूं ताकि आप भी उस योजना का लाभ उठा सकें। अब सबसे पहले तो ये कि ये योजना क्यों शुरू करी गई। ये योजना प्रधानमंत्री जी ने जनरली उन छोटे व्यापारियों के लिए शुरू करी है जिनके पास कुछ कोलैटरल नहीं होने की वजह से वो बैंकों से लोन नहीं ले पाते थे। जनरली इसके अंदर क्या है कि आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। कोलैटरल फ्री मतलब आपको कुछ भी अपनी संपत्ति बैंक को नहीं देनी जिसके एवज में आपको लोन मिले, ये टोटली कोलैटरल फ्री होगा। और जनरली जो छोटे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी है वो इनिशियली अपनी स्टेज में किसी तरह का कोई लोन नहीं उठा पाते बैंक से, और वो जनरली लोन उठाते हैं बाजार से जो उनको काफी महंगा पड़ता है। और हमारे देश में जब 5 से 10 करोड़ छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी है तो ऐसे में ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले तो इस योजना के लाभ क्या है। इस योजना को भारत सरकार ने 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला है शिशु लोन। शिशु लोन जनरली वे लोन है जो 50,000 तक के अंदर आपको मिल सकता है। 50,000 तक का लोन मुद्रा लोन के अंदर शिशु लोन कहलाता है। जनरली ये लोन उसको मिलता है जैसे कोई किसी ने अपना नया कोई व्यापार सेटअप किया है और उसको इन्वेंटरी या मशीनरी खरीदने के लिए अगर पैसा चाहिए तो शिशु लोन के अंदर उसको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। अब दूसरा है किशोर लोन। किशोर लोन जनरली ऐसे व्यापारियों के लिए है, ऐसे व्यापार वालों के लिए जिनका धंधा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है लेकिन वो अपने धंधे में थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल या थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए जिनको लोन चाहिए। इस लोन के अंदर 50,000 से 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। अब तीसरा है तरुण जनरली उन व्यापारियों के लिए है जो अपना व्यापार थोड़ा और ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी व्यापार बना हुआ है, वो एक मार्केट में स्टेब्लिश्ड प्लेयर है लेकिन वो अपना व्यापार थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और इसके अंदर 5 से 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा बैंक से। अब ब्याज दर कितनी होगी। जनरली ये ब्याज दर 12 से 16% के बीच में हो सकती है, वह जो कि बैंक निर्धारित करेगा। इसके अंदर शिशु लोन के अंदर सबसे कम ब्याज दर होती है और सबसे ज्यादा ब्याज दर तरुण लोन के अंदर होती है। और ये जनरली हर बैंक अपने आप ही डिसाइड करता है कि वह कौन सा लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा, इसमें भारत सरकार की कोई भी बंदिश नहीं होती। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। सबसे पहले तो आज की डेट में आप ये मान के चलिए अगर आप बैंक से डील कर रहे हैं तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, और बाद में अगर यदि आप जिस तरह का जो भी लोन चाहते हैं 5 लाख का, 50,000 का या 10 लाख का, तो आपको बैंक की जो भी कर्मचारी है उनको आपको अपनी व्यापार की दृष्टिकोण से उस तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने पड़ेंगे जैसे बैलेंस शीट। अगर आप नया नया कोई लोन लेना चाह रहे हैं शिशु लोन के अंदर तो आपको ये दिखाना होगा कितने की प्लांट एंड मशीनरी सेटअप लगेगा। जैसे मान के चलिए किसी ने अगर स्टेट बैंक का CSP लिया है, CSP वह इंस्टॉल करना चाहता है इनिशियली, तो बैंक 50,000 तक का लोन उसको दे सकती है कंप्यूटर खरीदने के लिए, प्रिंटर खरीदने के लिए, यह सब वो अपनी इनवॉइसेस प्रोड्यूस करेगा और बैंक से 50,000 तक का लोन CSP जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है उन्हें स्टार्ट कर सकता है। अब मुद्रा लोन के अंदर ही मुद्रा कार्ड होता है। जनरली कोई भी व्यापार हो उसे अपनी वर्किंग कैपिटल तो
बनानी ही पड़ती है, वर्किंग कैपिटल के बिना वो व्यापार कैसे चलेगा। तो भारत सरकार ने इसके अंदर मुद्रा कार्ड का कार्ड निकाला है, जिसके अंदर आप जो भी मुद्रा लोन लोगे, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि 10% एटलीस्ट 10% उस मुद्रा लोन का आप मुद्रा कार्ड के द्वारा खर्च करें। ये आपको इश्यू हो जाता है, सभी कार्डों का एक ही फॉर्मेट है, वह रुपये कार्ड रहता है, सिर्फ बैंक का लोगो चेंज हो जाएगा। अब मुद्रा हेल्पलाइन, कई बार क्या होता है कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं, जैसे मुद्रा लोन आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में ले सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है या आप किसी तरह की कोई चीज समझना चाहते हैं, तो मुद्रा हेल्पलाइन में काफी सारी आपको मुद्रा, आप तो डायरेक्ट mudra.org.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या वहां पर टोल फ्री नंबर पे कॉल कर उसके मुद्रा लोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर स्टेट का अपना एक टोल फ्री नंबर है, आप जिस स्टेट में भी रहते हो आप वहां से उस नंबर को डायल करके आप उसके बारे में और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर कई बार सुनने में आता है कि मुद्रा लोन के अंदर क्या ST SC OBC या महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कुछ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि इसके अंदर मुद्रा लोन के अंदर जो भी टोटल पोर्टफोलियो रहेगा उसमें किसी तरह का कोई आरक्षण रहेगा। सिर्फ अभी तक यह इतना बैंकों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि विशेष रूप से महिलाएं ST SC इनके लोन को भी पोर्टफोलियो में ये लोग भी बड़ी आसानी से लोन ले सके, बाकी अभी तक इस तरह का कोई अधिसूचना कोई जारी नहीं हुई है कि इनको कोई आरक्षण है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये mudra.org.in की वेबसाइट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। इस वेबसाइट के अंदर आपको मुद्रा लोन के रिगार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूं, ये एक वेबसाइट है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये मुद्रा लोन की वेबसाइट है जिसके अंदर आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसके अंदर मुद्रा लोन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो लगभग सारी रिजॉल्व करी गई है इसके अंदर। ये मुद्रा लोन की वेबसाइट है और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं, जैसे जो मैंने आपसे कहा था इसमें कस्टमर केयर के नंबर भी हैं, आप कस्टमर केयर पर भी बात कर सकते हैं, और आप अगर यदि आप स्टेट वाइज भी अगर ये मुद्रा लोन के PMMY टोल फ्री नंबर है और हर किसी स्टेट में एक नोडल ऑफिसर भी है। जैसे ये नोडल ऑफिसर की वेबसाइट पे तो हम क्लिक करेंगे ये देखिए नोडल ऑफिसर्स के आपके सामने जो भी जो विंडो आ रही है उसके अंदर ये नोडल ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर और उनके ईमेल एड्रेस से आप किसी भी प्रकार की कंप्लेन या फीडबैक आप नोडल ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं जो अपने स्टेट हर स्टेट के लिए अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुद्रा लोन इंडिया में कितना सक्सेसफुल है। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर के अगर आप आंकड़े देखें तो इंडिया जो मुद्रा लोन की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंगली 3,97,00,000 लोन पास हुए हैं और उसके अंदर जो टोटल राशि है जो सैंक्शन हुई है वो 1,80,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस स्कीम को कितना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मुद्रा लोन बाकी में एक बहुत अच्छी योजना है, अगर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपका खुद का व्यापार है या आप व्यापार सेट करना चाहते हैं या व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक बार जाके अपने किसी भी जहां भी आपका बैंक अकाउंट है एक बार वहां के ब्रांच मैनेजर से मिलिए,
हो सकता है कि अगर आप मुद्रा लोन आपको मिल जाता है तो आप अपना व्यापार बढ़ाने में आपके लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। और अगर आपको किसी तरह की और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।